Social change is another concept introduced by Ibn Khaldun. So, Ibn Khaldun theorizes the differences in social organization between nomadic, jisko wo kehta hai, al-Umran al-Badwi, and sedentary societies, jisko wo kehta hai, al-Umran al-Hadaira. To, ye do kisam ki wo societies ki baat kar raha hai, nomadic hai, settled hai. Moving from place to place in search of food, aur dusre jo hai, they have the security of food and they are at one place. Ab is theory ki jo fundamental concept hai, wo focus kar rahi hai on asabiya. Aur jisko aap keh sakte hain ki it's a group feeling, it's a solidarity, it's a unity, it's a cohesiveness. So कहने की बात उसकी ये है कि वो ग्रुप जिसमें ये असाबिया बहुत स्ट्रांग है, he that group is very powerful, और ये जो powerful ग्रुप है ये dominate कर सकता है any other group which does not have that powerful असाबिया. So only a society with strong असाबिया could establish domination over one with the weak asabiya. Aur yehi ek uski main cheez hai isme change mein, ke agar strong asabiya hai to they are powerful, they can dominate, they can defeat anybody. Aur agar isi group mein wo asabiya kam ho gayi aur decline ho gayi to dusra koi group hai jisme asabiya was strong hai, वो इसके ऊपर हावी हो जाएगा. सो असाबिया रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ सॉलिडैरिटी अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. सो द होल ग्रुप बिकम्स अ सॉलिड फोर्स बिकॉज ऑफ दिस यूनिफाइंग फोर्स. अब ये जो ग्रुप एक यूनिट बनता है, ये यूनिफाइंग फोर्स है, बाय एंड लार्ज इज बेस्ड ऑन द कॉमन, let's say ancestry, common descent. तो ये असाबिया जो है ये इसमें जो power है वो enforce करती है. और ये बद्दू जो लोग हैं जिनकी बात वो की है उसने, जो के nomadic हैं, जो के move करते हैं from one place to another, so they have very strong unity. वो एक ही group है, एक ही tribe है, एक ही डिसेंट है, उनका बाप दादा कोई एक ही है. तो इसलिए वो कहता है कि इनमें जो जैसे काइंड हैं, ईच अदर है, नो ईच अदर, उनके बाप दादा एक ही हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ यूनिटी. और इस वजह से दे कैन डिफीट दोज पीपल हु आर लीडिंग ए सेडेंट्री लाइफ और सेटल्ड काइंड ऑफ लाइफ, या अर्बन पीपल हैं. और यहाँ पर वो बात हो, ये भी हो रही है कि जो बदुइन हैं या नोमैडिक टाइप पीपल हैं या रूरल एरियाज की बात अगर इसको उसके साथ वैसे ही कंपेयर कर लें, तो देन ही इज टॉकिंग के जो ये सोसाइटी है इसमें सोशल सॉलिडेरिटी बहुत ज़्यादा, असाबिया बहुत हाई है, बहुत स्ट्रांग है. और जो अर्बन सोसाइटी है जिसमें लोग जो हैं वो एक लेट्स से फोर फादर को नहीं बिलोंग करते, उसमें असाबिया जो है वो कमज़ोर है. तो इस बेसिस के ऊपर वो अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करते हैं, जिस ग्रुप में बहुत ज़्यादा असाबिया है, और डायनेस्टी कह लें और अलदौला कह लें, वो जैसे हम कहते हैं दौलत पाकिस्तान, तो ये उसके साथ लफ्ज़ मिलता है. सो इस सोसाइटी में इस तरह से वो चेंज की बात कर रहा है. सो बदुइन गेट सेट इन द अर्बन वेज ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस ग्रेट डिक्लाइन इन देयर असाबिया. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि वो अगर अटैक करते हैं ऑन द सेटल्ड पीपल तो वो उनको कॉन्कर कर लेते हैं, वो वहां उनकी जगह वो ले लेते हैं,
और अगर उनकी जगह वो ले लेते हैं तो उनमें भी वही डिक्लाइन आ जाता है असाबिया का जो कि उनसे पहले वाले लोगों में से है। तो इस डिक्लाइन की वजह से उनकी जो फाइटिंग फोर्स है वो कम हो जाती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी कम हो गई, एंड देन वो जो सेटल हुए दे बिकम वल्नरेबल टू अदर ग्रुप्स हु कैन कम अटैक देम एंड कॉन्कर देम, और ये एक लाइफ का सिलसिला इस तरह से चलता रहा है। सो दिस इज द साइकिल ऑफ राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्टेट्स एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। सो ये जो सोशल चेंज की बात इब्न खल्दून ने की है, सो ही एस्टिमेटेड कि ये जो साइकिल है इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 4 generations टू complete. So that is how he starts with the concept of social change.